हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज मुझे त्रिलोकीनाथ मंदिर जाना है। और ये देखिए, काम सारा पड़ा हुआ है। अब मैं काम सब समेटूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहा के तभी मैं जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपकी जो मैं वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और मैं जब तक मेरा चैनल मोनोटाइज नहीं होता है, तब तक मैं डेली वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। और जब चैनल मोनोटाइज होएगा तो जब सॉरी फ्रेंड, जब चैनल मोनोटाइज हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, और वीडियो का जो टाइम है वो भी सेट कर दूँगी, क्योंकि टाइम से ही वीडियो डालूँगी, टाइम से ही एडिटिंग करूँगी। सो फ्रेंड्स, काम जो है वो काफ़ी पड़ा हुआ है। बिस्तर सही करना है, नहाना है, और मैंने बेटी के लिए नाश्ता बना दिया है, क्योंकि सुबह जो है वो बेटी जो है वो फ्रेंड्स स्कूल चली जाती है। फ्रेंड्स, मैं अभी मेरा जो बेटा है, मैं आपको बताने को थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो हॉस्टल चला गया है, और बेटे जो हॉस्टल चला गया तो उस वजह से मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को किस तरीके से बताऊं। उसका सारा सामान आया, पहले तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि वो मेरा बेटा क्या क्या सामान लेके गया है। और लेकिन एक, क्योंकि कभी भी मैंने अपने बेटे को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा, उसने भी मुझे नहीं कभी, मुझे क्या, अपने पापा को, अपने बहन को और अपने घर को ही उसने कभी भी नहीं रुका, वो कहीं नहीं अकेला रुका हम लोगों के बगैर। अगर वो अगर पापा के साथ नहीं रहता था तो मेरे साथ रहता था, और अगर मैं कहीं जाती थी तो वो अपनी दीदी के साथ रहता था, लेकिन वो भी कभी अकेला नहीं रहा। सो फ्रेंड्स, अब मैं नहाने जा रही हूँ। पहले तो मैं बिस्तर सही करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, बाकी जो काम है मैं वहाँ से आके लौट के ही काम करूँगी। और क्योंकि टाइम हो गया है और मेरी सासू माँ का फ़ोन आ रहा है बार बार। और फ्रेंड्स, अब मेरा बेटा जब आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बाहर गया हुआ है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। और अब तो मैं फिर भी अपने आप को समझा लिया है कि मुझे अब अकेले ही रहना है, क्योंकि आज बेटा गया है, कल बेटी चली जाएगी बाहर पढ़ने, और बच्चों अपनी मतलब अपनी ममता के आगे बच्चों को रोकना बेकार है, क्योंकि कल को ये बड़े होंगे बच्चे तो कैसे क्या करेंगे। इस वजह से मैंने अपने आप को समझा लिया है कि मुझे तो अकेला ही रहना है। और मैंने अपने आप को काफ़ी हिम्मत बंधाई है कि मुझे हिम्मत बांध के रहना है, अगर मैं रोती रहूँगी तो मेरे बच्चे कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस वजह से मैं अब कुछ नहीं बोलती हूँ और चुप रहती हूँ। बच्चे अगर मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता है तो मैं उसे समझा देती हूँ कि बेटा खूब पढ़ाई करो, और जो भी खाने को मिले वहाँ पे वो सब खाओ, ये मत कहो कि मैं जैसे ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा नहीं खाता था तो मैं उसके लिए बनाकर दे देती थी कि ये मतलब सब्जी नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ, तो मैं उसको बना के देती थी। लेकिन अब मेरा बेटा जब बाहर चला गया है तो मैंने सोचा कि हॉस्टल में जो भी मिलता हो वो सब खाना, और भले ही मतलब अगर सब्जी है तो लगा लगा के रोटी के साथ खा लेना, पर खा लेना। मैंने उसको काफ़ी समझाया, लेकिन अब मेरा बेटा जब आ जाएगा तो मुझे तभी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, एक माँ का दिल आप तो जानते हैं कि कैसा होता है, और इस वजह से मैंने अपने आप को समझा लिया है। अब मेरा बेटा चला गया है और मैं आपको बताना चाहती थी काफ़ी टाइम से, लेकिन दिखाना भी चाहती थी, लेकिन मैं आपको ना दिखा पाई, ना वीडियो भी नहीं बना पाई, ना आपको अपने बेटे से मिलवा पाई, जाने का भी वीडियो नहीं बना पाई। सो फ्रेंड्स, और अब जब वो आ जाएगा तभी मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरा बेटा आ गया है। और फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं और बीच में वीडियो नहीं डाल पाई। अब मैं काम करूंगी, काम करने के बाद ही नहाने जाऊंगी। पहले मैं बिस्तर से सही कर देती हूँ, बाकी काम तो लौट के ही करना है, क्योंकि वहाँ पे लेट हो जाएगा, भीड़ ज़्यादा हो जाती है मंदिर में। आप लोगों को पता है कि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाती है सुबह के टाइम पे। सो मैं अब सोच रही हूँ नहा लेती हूँ। और ये देखिए, इधर मेरा ओरियो जो है काफ़ी अच्छे से सो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ मंदिर आ चुकी हूँ, बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर। तो यहाँ पे जो है काफ़ी भीड़ थी आज, फ्रेंड्स से मुझे नहीं पता था आज इतनी भीड़ क्यों है, क्योंकि आज ये तो पता था फ्रेंड्स आज मंडे है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे
मेला लगता है मंडे को, यानी सोमवार को यहाँ पे मेला लगता है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मेला लगा था और आज जो है जो मंदिर के जो मालिक हैं यानी बाबा जी जो हैं जिनका ये मंदिर है उनका आज बर्थडे भी था और उन्होंने काफ़ी अच्छा भंडारा भी रखा हुआ था। तो पहले तो फ्रेंड्स से हम लोगों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और ये देखिए शंकर बाबा शंकर जी की भोलेनाथ बाबा की इतनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। ये मंदिर है, मंदिर का द्वार है फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग आए हैं और गुब्बारे उब्बारे लगे हुए हैं क्योंकि उनका बर्थडे है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि बाबा त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन कौन जा चुका है। फ्रेंड्स ये पुराना रोड यही पड़ता है, आप जाइए सभी होते हैं। और त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है काफ़ी मान्यताएं हैं इसकी, काफ़ी अच्छा मंदिर मंदिर है। नहीं बिल्कुल ले गए फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रसाद लिया, प्रसाद जो है मंदिर के थोड़ा सा आगे मिलता है तो वहाँ से हमने प्रसाद लिया, फिर जल चढ़ाया और प्रसाद भी चढ़ाया, धूपबत्ती लगाई। और यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ लोटे में पानी मिलता है यानी जल। ये देखिए कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है और हम लोगों को भगवान की कृपा थी जो हम लोगों को ये वहाँ लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, हम लोग आगे से मंदिर में आए। तो कैसे भी हमें नहीं ध्यान था कि प्रसाद भी लेना है, हम लोग सीधे चलते चले आए, रिक्शे से उतरे तभी हमें और हमारी सासू माँ जी को काफ़ी प्रसाद का ध्यान आया। तो वहीं जो रिक्शे वाला खड़ा था उससे ही हम लोगों ने प्रसाद मंगा लिया। भगवान की बहुत मेहरबानी है जो हम लोगों को उधर लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, ऊपर वाले की कृपा है। और हम लोग अंदर आ गए, फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया। वहाँ पे जो है वो एक महिला है, वो अपने लोटों में जल उन्होंने भर के रखा हुआ है, उसी लोटे में जल है। और मुझे लग रहा था थोड़ा सा उसमें दूध मिला हुआ था यानी मिल्क सब थोड़ा सा पैक हुआ जल था और उसमें फूल पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ से पानी लेने के बाद फ्रेंड्स हमने जल चढ़ाया, फिर प्रसाद चढ़ाया, धूपबत्ती लगाई, फिर उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे बैठ गए फ्रेंड्स। ये देखिए जो रौनक पिछली बार जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ पर आज रौनक थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मंडे को, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि प्रसाद जो चढ़ा है मंदिर है, ये बाबा जी हैं यहाँ के, इनका आज बर्थडे है और इसलिए आज गुब्बारे उब्बारे लगे हुए हैं। इनका बर्थडे, इनका केक भी काफ़ी बड़ा था और वो भी फ्रेंड्स केक जो था वो मार्केट वाला केक बिल्कुल भी नहीं था, ये केक मुझे लग रहा था कि खोए का बना हुआ है और काफ़ी फ्लेवर है खोया का बना हुआ है केक। खाने में तो इतना टेस्टी था कि लग ही नहीं रहा था, ये जो ब्रेड का केक होता है वो है खोए वाला केक था, काफ़ी टेस्टी था। सभी ने उनको प्रसाद खिलाया, केक खिलाया और टीका लगाया और इन पर नौछारे भी लोगों ने की, उनकी जो थाली थी केक वाली एक एक भैया एक मिनट छोटू भाई भाई एक मिनट यार साथ।
मुझे नहीं पता था कि मंडे को इतना मेला भी लगता है, काफ़ी अच्छा मेला लगता है।